हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों दुनिया भर में ऐसी कई बीमारियां हैं जिनके हमें आधे से ज्यादा लक्षण भी नहीं पता होते हैं, और जब ये बीमारियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं, तब जाकर हमें पता चलता है कि इस बीमारी के ये लक्षण थे, अगर हमने वो किया होता तो शायद हमें ये बीमारी ना होती। इन सारी बीमारियों में से एक चीज ऐसी है जो हमारी स्किन से ही रिलेट करती है, और ये बीमारी अगर बढ़ जाए तो हमें काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ आज स्किन कैंसर के बारे में। स्किन कैंसर सुनने में काफी कॉमन लगता है, लेकिन इस कॉमन से बीमारी को अपने शरीर से दूर भगाने के लिए आपको महंगे महंगे इलाज कराने पड़ते हैं, भारी भरकम कीमोथेरेपी करानी पड़ती है, जिसकी वजह से शरीर से बाल का एक एक कण आपसे बिल्कुल दूर हो जाता है। आपका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि उसे वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने में या फिर रिकवर करने में काफी समय चला जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस भयानक दर्द से ना गुजरना पड़े, तो आपको इस बीमारी के लक्षणों का पता होना बहुत जरूरी है। स्किन कैंसर जब भी हमारी स्किन के अंदर प्रवेश करता है, तो ये हमारे अपने ही गलतियां होती हैं। कई बार मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में बताया है कि आपको जब भी घर से बाहर निकलना हो, तो अपनी बॉडी पर सनस्क्रीन जरूर लगानी चाहिए। इसके पीछे काफी ज्यादा कारण होते हैं। इसका केवल एक यही कारण नहीं है कि अगर आप अपनी बॉडी पर सनस्क्रीन लगाएंगे तो उसकी वजह से आपकी बॉडी काली नहीं पड़ेगी। सूरज की हानिकारक किरणें इतनी ज्यादा तेज होती हैं कि अगर वो हमारे शरीर पर निरंतर पड़ती रहती हैं, तो उसकी वजह से बॉडी में काफी ज्यादा वेरिएशन होने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी पर पैचेस पड़ने लगते हैं, पीले कलर के धब्बे पड़ने लगते हैं, रेड कलर के स्पॉट्स पड़ने लगते हैं, या फिर हमारी स्किन पर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होने लगती है। आपने अक्सर देखा होगा कि पिगमेंटेशन का इलाज बहुत ज्यादा स्क्रबिंग है, या फिर सही तरीके से उस पर एक ऐसी चीज का एप्लीकेशन करना है जो हमारी स्किन के कालेपन को दूर कर सके। लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर स्किन कैंसर प्रवेश कर जाता है, तो उस पिगमेंटेशन को आप चाहकर भी किसी भी चीज से हल्का नहीं कर सकते हैं। यह हमारी बॉडी पर बिल्कुल ऐसे चिपक जाता है कि वो छूटने का नाम ही नहीं लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, तो अपने आप को कवर करके निकलें और अपनी बॉडी पर सनस्क्रीन जरूर लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से ना केवल आपकी सुंदरता बची रहेगी, बल्कि आपका शरीर भी स्वस्थ रह पाएगा। जब भी हमारी बॉडी में स्किन कैंसर प्रवेश करता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पर बहुत ज्यादा रैशेस पड़ना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती है। कभी कभी हमारी बॉडी पर ऐसे स्पॉट्स पड़ने लगते हैं जो बिल्कुल हूबहू दाग की तरह दिखाई देते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये दाग ही है, और उसे रिपेयर करने के लिए वो दाग पर लगाने वाली क्रीम्स या फिर लोशन का प्रयोग करने लगते हैं, और डॉक्टर से कंसल्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। दोस्तों, ये आपके स्किन का और आपकी तबीयत का ही सवाल है। अगर आपको अपनी स्किन पर बहुत ज्यादा दाग या फिर बहुत ज्यादा रैशेस दिखाई देते हैं, तो आपको खुद से डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से भी अपॉइंटमेंट लेकर उनसे पता लगवा सकते हैं कि आखिरकार आपकी बॉडी पर जो रैशेस निकल रहे हैं, वो किस तरीके के रैशेस हैं, ताकि आप समय रहते उनका इलाज करवा सकें। सो दोस्तों, इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए, ताकि आपकी बॉडी पर स्किन कैंसर का खतरा बिल्कुल भी ना मंडराए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।